मुंबई हल्ल्यानंतर सेनेने काँग्रेस सरकारला दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्याची परवानगी मागितली होती, पण त्यांनी ती दिली नाही. मोदी सरकार आणि बाकीच्या सरकारमध्ये हा फरक आहे. सरकारमध्ये फक्त आश्वासनच नाही तर मोदींची लोकप्रियता वाढते, त्यामुळे काँग्रेस खोटे आरोप करत असल्याचा आरोप प्रकाश जावडेकर यांनी केलाय. काँग्रेसने पंजाब के चुनाव में कहा हम पूरा कर्जा माफ करेंगे. पंजाब में 90,000 करोड़ रुपए का किसानों पर कर्जे का बोझ है. कितने दिए? 5,000 करोड़ रुपए. ये कांग्रेस की कमाई है, ये कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है. कर्नाटक में एक साल से ज्यादा हुआ, वहां कबूल किया था, वहां भी लगभग 70-80 हज़ार करोड़ का कर्जा है किसानों का टोटल. पहले बोले थे राष्ट्रीयकृत बैंक का भी, शेड्यूल बैंक का भी कर्जा देंगे, एक पैसा नहीं दिया. देश के सामने दूसरा प्रश्न है कि सुरक्षा कौन मुहैया करेगा. 2008 में मुंबई पर दहशतगर्दियों ने हमला किया, तब सेना ने कांग्रेस सरकार को कहा था कि हम आतंक के ठिकानों को मिटाएंगे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में घुसने की परमिशन नहीं दी. यही मोदी जी है कि उन्होंने परमिशन दी, और इसलिए देश भर में एक यकीन हो गया कि देश सुरक्षित हाथों में है. और इसलिए देश को सुरक्षित कौन रखेगा, उसका भी उत्तर मोदी है.